दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पेटीएम के माध्यम से किसी आधार बैंक में कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर फैमिली मेंबर या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में आप अपने पेटीएम के माध्यम से मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन पर क्लिक के साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना पेटीएम को ओपन कर लीजिएगा। तो अब जैसे ओपन करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा इस तरफ आ जाना है। तो अब जैसे इस तरफ आते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई, तो आपको बस सिंपली से यूपीआई के ऊपर क्लिक करना है। तो अब जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूर भीम यूपीआई आईडी, मतलब ये मेरा भीम यूपीआई आईडी है और भीम यूपीआई आईडी के साथ मेरा बैंक अकाउंट कनाडा बैंक लिंक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो तिरका निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कनाडा बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक है और उसके साथ पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यदि आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, और यदि आप अपने बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इसे कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा भीम यूपीआई आईडी के साथ मेरा बैंक अकाउंट लिंक है। तो यदि मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, मतलब यदि मैं कोई मनी ट्रांसफर करता हूँ तो वो ट्रांसफर पैसा मेरा बैंक अकाउंट कनाडा बैंक से काटा जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपने होम पेज पर चले आना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टू कॉन्टेक्ट, तो आपको बस सिंपली से टू कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर बैंक अकाउंट, तो इसके ऊपर सिंपली से क्लिक कर देना है। तो अब जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर बैंक अकाउंट, तो आपको यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिसके बैंक अकाउंट पे आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आईएफएससी कोड, तो आपको यहाँ पे उसका आईएफएससी कोड डालना है। ठीक है, और आईएफएससी कोड दोस्तों आप बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके बैंक पासबुक में मिल जाएगा, तो वो आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाया जाएगा, तो आप समझ लेना कि आईएफएससी कोड करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर नेम, मतलब आप जिसके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट किसके नाम पे है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं प्रोसेड, तो आपको बस सिंपली से प्रोसेड के ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट कंफर्म करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो फिर से आपको बैंक अकाउंट डालना है जिसके बैंक अकाउंट में आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कंफर्म, तो आपको बस सिंपली से कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि आप कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं अपना पेटीएम से। ठीक है, तो मैं 500 रुपया ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अमाउंट डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं प्रोसेड, तो आपको बस सिंपली से प्रोसेड के ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पेटीएम का यूपीआई पिन डालना है। तो आप जैसे अपना पेटीएम का यूपीआई पिन डालते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल, मेरा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने पेटीएम के माध्यम से किसी और के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और क्यों मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपको करना कुछ नहीं, बस नीचे लाल बटन पर क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए, क्योंकि हम इसी तरह से टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के लिए डालते रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।